तो दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे तीन ऐसे इंग्लिश के टिप्स जिससे आप अपनी इंग्लिश को सुपर फास्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली टिप मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली टिप, कभी भी आपको अब अक्सर सोचते हैं कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ, अगर आप बिना पार्टनर के भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले किसी भी कहीं पर ही अगर आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये अगर आप टिप आजमाते हैं तो आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट बेस्ट वोकैबुलरी आपको मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपका अच्छा होगा। तो नंबर वन टिप्स ये है, इसको ट्राई करें, इम्प्रूव करें। सो नंबर सेकंड टिप जो है, जो अक्सर आपने देखा है, कोई भी आज की डेट में हर कोई हिंदी मूवीज़ वगैरह देखता है या फिर जिस लैंग्वेज में वो ज़्यादा समझता है वो उस तरह के शोज़ एपिसोड्स वगैरह ये सब देखता है। लेकिन वहाँ आप अगर चाहें तो सिर्फ 2 मिनट की डेली की वीडियो हिंदी में देख के उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज़ करिए आप हिंदी में कोई भी शो देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखिए 1 मिनट का या फिर 20 सेकंड का, और उसको समझिए कि उसने क्या बोला, और उसे कोशिश करिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। अगर आप इतना भी डेली करते हैं, आधा घंटा भी अपना अगर आपको इसको टिप को अप्लाई किया, तो इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो सकती है। यहाँ पर आपके पता क्या है, यहाँ पर आपकी 2 तरह की इंप्रूवमेंट होंगी। फर्स्ट, आप जो देखेंगे कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे जिसको आप जनरली इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड, जो वोकैबुलरी आपको नहीं पता वो फाइंड आउट करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर थर्ड टिप जो है, जिससे आप अपनी इंग्लिश को सुपर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आज की डेट में आप देखते हैं कि आज की डेट में हर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है। मोबाइल फ़ोन का आपको करना क्या, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टिप बताई थी, कोई भी आप एक्टिविटीज़ देखते हैं तो उसे आपको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। अब डेली अब अगर आप घर पर जाते हैं, घर पर जाकर सिर्फ अपना मोबाइल कैमरा सेट कर दीजिए, कैमरा मोड ओपन कर दीजिए और प्ले कर दीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ पर जो भी आपने कुछ देखा है उसे मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करिए। मोबाइल फ़ोन में जैसे आप रिकॉर्ड करेंगे 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद उसे प्ले करके देखिए। वहाँ पर पता है आपको क्या होगा, 2 चीज़ें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होंगी। पहला, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सेकंड, आपका जो है कैमरा फेसिंग। आज की डेट में आप जनरली फ्रेंड के साथ इजीली बात कर लेंगे, लेकिन जब आती बात कैमरे की, कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है, वहाँ आप हेजिटेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के आपको एक और प्लस पॉइंट ये है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे तो कुछ आपकी फ्लुएंसी जब बनेगी, और आपने सपोज करी वीडियो एडिट करके अपने फ्रेंड के पास, या मान लीजिए आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड कर दी, तो आपके फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाएंगे कि आपने यार इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे सीखी। सो दोस्तों, ये थी 3 बेस्ट टिप्स। अब उम्मीद करता हूँ ये तीनों बेस्ट टिप में से आप कोई भी एक टिप ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई भी एक टिप अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ ये भी बताइएगा कि आपको वहाँ पर कितना मज़ा आया। जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बिहाइंड द सीन ज़रूर बनता है, वहाँ पर फन भी होता है, मोमेंट भी होता है। और सोचिए, अगर आपने उस वीडियोस के अंदर अगर कुछ फनी क्लिप भी ऐड करके उसे एंटरटेनमेंट बना दिया तो मज़े आ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।